أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. थोड़ा सा इन दी इंटरेस्ट ऑफ टाइम हम अफ्तारी की चीज़ें आपके पास पहुंच चुकी हैं, जब टाइम हो जाए तो आप रोज़ अफ्तार कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा गुफ्तगू का सिलसिला हम साथ साथ जारी रखेंगे। और उसके बाद ये यहाँ रास्ता बना है पीछे, जो लोग नमाज़ पढ़ना चाहेंगे उनके लिए जगह मौजूद है। तो अभी मैं दरख्वास्त करूँगा अपने बड़े ही अजीज़ भाई मौलाना रमज़ान सियालवी साहब से, जो दाता दरबार के खतीब हैं, तो वहाँ आएँगे और थोड़े तासरात हमारे साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर माजिद अबोल साहब, आपने एक इंसान दोस्ती और मोहब्बत और रवादारी का वो मंजर पेश किया है कि अभी जब आप ऐलान कर रहे थे कि आपके लिए नमाज का एहतमाम है, तो मुझे अभी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक सीरत से वो वाक़या याद आ रहा था कि जब नजरान से हमारे ईसाई दोस्त नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, और जब उनकी इबादत का वक्त आया तो वो थोड़े मुतज़ब्ज़ब हुए कि हम कहाँ अपनी इबादत करेंगे, दुआ करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर एक कोने में अपनी दुआ और इबादत की इजाज़त दे दी थी। बुनियादी तौर पर जब दीन को बहुत सारी जगहों पे हमने अपनी ख्वाहिशात और एक अपने घड़े हुए फ्रेम और अपनी आँखों पे लगाई हुई ऐनक से देखना शुरू किया है, तो शायद वहीं से नफ़रत की इब्तिदा होती है, वहीं से दूरियां शुरू होती हैं, वहीं से नफ़रत जन्म लेती है, वहीं से अदम बर्दाश्त का बीज तनावर होना शुरू होता है, वहीं से दूसरे को ना सुनने, ना देखने, ना बर्दाश्त करने की फ़िक्र पैदा होती है। हालांकि इस्लाम अपने तमाम मराहिल में, अपने तमाम स्टेजेस में रवादारी और बकाए बाहमी इन दो बुनियादों को लेकर आगे चलता है। और रवादारी और बकाए बाहमी का मतलब सादा सा ये है कि अगर किसी को आपके नज़रिए से इख्तिलाफ़ है, अगर किसी को आपके नज़रिए से इख्तिलाफ़ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके वजूद को बर्दाश्त ना करें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सुने ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ नफ़रत करें। इस खित्ता बर्रे सग़ीर में आज से 1000 साल पहले हज़रत अली बिन उस्मान अल-जुल्लबी, जिन्हें दुनिया दाता गंज बख्श अली के नाम से याद करती है, वो इस खित्ते में तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर उसी रवादारी और बक़ाए बाहमी के उसूलों के साथ इस्लाम की तालीम और तबलीग फरमाई। और हमारे पास उनकी तालीमात के ऐसे मज़ाहिर मिलते हैं कि आज उन्हीं मज़ाहिर को और आज उन्हीं यादों को ताज़ा करने की ज़रूरत है। मैं कई दफ़ा जब बादशाही मस्जिद में जाता हूँ तो मैं इस्लाम की उस रवादारी के माहौल को रश्क की नज़र से देखता हूँ कि एक तरफ मस्जिद है तो दूसरी तरफ गुरुद्वारा भी मौजूद है। ये क्या निज़ाम है, ये क्या सिस्टम है। ये बुनियादी तौर पर वही बक़ाए बाहमी और रवादारी का वो बुनियादी उसूल है कि जिस के साथ ही हम दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, जिसके साथ ही हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा भी सकते हैं और दूसरे की बात अच्छे तरीके से हम सुन भी सकते हैं। इसलिए हमें आज के इस दहशत और वहशत के माहौल में इसी रवादारी और बक़ाए बाहिनी के जज्बे को फ़रोग़ देने की, बताने की, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और मेरे जितने भी मकातब फ़िक्र के जय्यद नुमाइंदा हज़रात, तमाम मज़ाहब के लोग मौजूद हैं, ये को एक फ़र्द नहीं आया हुआ। इसे आप ख़तीब दाता दरबार को आप सिर्फ़ एक मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी के तौर पे कंसीडर ना करें, आप इसको उस पूरे स्कूल ऑफ थाट की सोच को, उस पूरे सेक्ट की सोच को और हज़रत अली हजवेरी, दाता गंज बख्श अली हजवेरी की जो फ़िक्र है और उससे मुंसलिक जो लाखों दुनिया है, आप उसके साथ इसको कंसीडर कीजिए कि हमारे पीछे खड़े होने वाले, हमें सुनने वाले, हमें देखने वाले, हम उन्हें किस मोहब्बत का, किस रवादारी का और किस मोहब्बत का पैगाम भी देते हैं, दर्स भी देते हैं और उन्हें इसी बात के फ़रोग की तलकीन भी करते हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का प्लेटफार्म हो, इंटरफेथ हारमनी का प्लेटफार्म हो या कोई भी जगह हो, हम अपने घर में भी, अपने घर से बाहर भी, अपने स्कूल ऑफ थाट के लोगों के अंदर बैठकर भी, स्टेजों पे आकर भी हम बिल्कुल इस बात को दुनिया के सामने बड़े फ़ख्र के साथ और बड़े एहसास के साथ बताते हैं कि हुजूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श अली हजवेरी हों, हज़रत मियाँ मीर सरकार हों, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर हों, कि जितने सूफिया हैं ये बुनियादी तौर पर इस्लाम की उस ताबीर के अमीन हैं, इस्लाम की उस ताबीर के अमीन हैं कि जिसके अंदर मोहब्बत है, जिसके अंदर रवादारी है, जिसके अंदर अखुवत है, जिसके अंदर बक़ाए बाहमी है और जिसके अंदर दूसरे को बर्दाश्त करने का, दूसरे को सुनने का, दूसरे को देखने का, दूसरे से मिलने का और दूसरे को साथ लेकर चलने का जज्बा मौजूद है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये मोहब्बत, ये रवादारी, ये बक़ाए बाहमी का माहौल यहीं तक नहीं रुकेगा। इंशाअल्लाह ये काफ़िला आगे बढ़ेगा और मुल्क पाकिस्तान अमन, मोहब्बत, अखुवत, रवादारी और बक़ाए बाहमी की उस फ़िज़ा के साथ मुनव्वर होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। थोड़ा सा चूँकि वक्त का चैलेंज है, जैसे मैंने पहले कहा, मैं रिकगनाइज़ करना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा तो ये कि सबको नाम बनाम रिकगनाइज़ करूँ, लेकिन आप सब जानते हैं कि आप सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं आपके साथ हमारा एक ताल्लुक़ है, प्यार मोहब्बत है और हम एक फैमिली के तौर पे यहाँ पे जमा हैं। मिस्टर साकिब जिलानी, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रीशिएट यू केम। और इसके साथ ही मैं अपने सारे प्रेस क्लब के सारे दोस्तों का, भाइयों बहनों का, टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अर्शद अंसारी साहब एंड ऑल द टीम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और इसी तरह से हमारे जितने उलमा दोस्त हैं, दोस्त और भाई हैं, इनके साथ हमारा बहुत ही करीबी ताल्लुक़ है। मौलाना आसिम मखतूम, सैयद महमूद गजनवी, सैयद नवाब हारशा, मौलाना मुफ्ती रमज़ान सियालवी साहब, साहिबज़ादा वहीद अहमद कादरी, सैयद आशिक सैन साहब और मौलाना शकील रहमान, कासिम अली कासमी और समीउल्ला और मिनहाजुल कुरान से। आई रियली वांट टू से स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद, वाइस चांसलर मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, थैंक यू। और इस तरह से वाइस चांसलर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी मियां इमरान मसूद एंड आल्सो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर। हमारे दिल में आज भी आप एजुकेशन मिनिस्टर ही हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो आपको फिर से इस तरह के कुछ बना के भेज दें, बिकॉज वी लेफ्ट एन इम्प्रिंट और इससे हमारे मुल्क का वकार हमेशा बढ़ा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं यही बात जो करूंगा वो है कि ये एक बहुत खूबसूरत मौका है कि हम इंटरफेथ हारमनी पे इफ्तार डिनर कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मजीद अबल साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हमारे मुआशरे की, हमारे समाज की जो है वो करीम इकट्ठी की है, जो मेरे ख़्याल में समाज में लीडरशिप का किरदार अदा कर रही है। और इसके साथ साथ मैं अपने मुसलमान भाइयों को भी रमज़ान की और इफ्तार की मुबारकबाद देता हूँ और आने वाली ईद की भी मुबारकबाद देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे मुझसे पहले हमारे बहुत ही मोतबर नाम रमज़ान सियालवी साहब ने ये बात की, इंटरफेथ की बात की, तो मैं तो ये यहाँ से शुरू करता हूँ कि खुदावंद यसू मसीह की शहादत ही इंटरफेथ के लिए हुई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो इंटरफेथ पॉलिसी, जो वो मुआहदे जो गैर मुस्लिमों के साथ हुए और आपने मनोमन उस पर अमल किया, आज भी उसकी ज़रूरत है कि हम उस शहादत को मज़े नज़र रखते हुए, उस जो है मुआहदे को मज़र रखते हुए, उन मुआहदात को मद्दे नज़र रखते हुए उस पर अमल पैरा हो, ताकि हमारे मुआशरे में जो इंटरफेथ जो है वो समाजी तौर पर फ़रोग पा सके। अभी तक समाजी तौर पर जो है वो फ़रोग नहीं पा रही है। तो समाज में जब तक इंटरफेथ फ़रोग नहीं पाएगी, उस वक़्त तक हमारी तरक्की मुश्किल है। और मैं ये इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आखिर में फिर शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर मजीद अबोल साहब का। थैंक यू सर। अभी थोड़ी देर में इफ्तारी का टाइम हो जाएगा, तो उसके लिए प्रोटोकॉल क्या है ज़रा बताइएगा। इफ्तारी का चूँकि टाइम बिल्कुल करीब है और जामिया उर्वतुल वुस्का के जो हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनकी तरफ से ये खुसूसी हिदायत दी गई थी कि मेज़बानों को ये बताया जाए कि हमारा रोज़ा जो है वो 10 से 12 मिनट के बाद इफ्तार होता है। तो हम इंशाअल्लाह उनके पीर मुबारक शाह साहब भी 12 मिनट के बाद इफ्तार करेंगे, आगा सग़ीर अब्बास विरक साहब भी 12 मिनट के बाद जो है वो रोज़ा इफ्तार करेंगे। तो मैं पीर ज़ुबैर आबद साहब से कहूँगा कि वो 1 मिनट की आकर दुआ करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, हमारे दोस्त भाई जनाब डॉक्टर मजीद अबोल साहब ने आज जो मुसलमान उलमा और मशाइख के एज़ाज़ में, ब्रदर और सिस्टर्स के एज़ाज़ में अफ्तार एंड डिनर रखा है, जिस मोहब्बत से उन्होंने हमें दावत दी है तो कबूल फरमा अल्लाह। और इसकी वजह से ये जितने हजरात बैठे हैं, मसालक और मज़ाहब के नुमाइंदगान, इनमें आपस में प्यार मोहब्बत नसीब फरमा आमीन। अल्लाह, आज इस अफ्तार के मौका पर हम दुआ कर रहे हैं, जितने दिल यहाँ पर धड़क रहे हैं उन सब दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत को कायम फरमा आमीन। अल्लाह, इस प्यारे वतन की हिफाजत फरमा, हर लिहाज से हिफाजत फरमा, इसकी पाज अफवाज की हिफाजत फरमा, सिक्योरिटी के इदारों की हिफाजत फरमा, उलमा, मसाजिद, मदारस, तबलीगी जमातें, खानकाहें, जहाँ कहीं दीन इस्लाम का काम हो रहा है या बैनुल मज़ाहब हम आहंगी का, बैनुल मसालक हम आहंगी का काम, मोहब्बत का काम, प्यार का काम, अमन का काम, और अमन की बात की जाती है, ऐ अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। हमारे भाई हज़रत ख्वाजा मखदूम, जनाब आसिम मखदूम साहब जिस मोहब्बत प्यार से उलमा को दावत देते हैं, ये सारा गुलशन इन्होंने सजा रखा है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। यहाँ पर आने वाले हजरात जिस मकसद नेक के साथ आए हैं, वो मकसद प्यार है, वो चाहत है, वो उल्फत है। प्यार के बग़ैर मुमकिन ही नहीं कि अमन हो जाए, चाहत हो जाए, बर्दाश्त के बग़ैर मुमकिन नहीं कि प्यार कायम हो जाए। ऐ अल्लाह, हम सबको दीन दुनिया की तमाम दौलत नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, उसने बनी नौ इंसान से मोहब्बत रखी और उसने ये हुक्म दिया कि तुम भी आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो। पादरी मजीद अबोल साहब का ये कदम यही मोहब्बत बांटने के लिए है और ये रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा। किस तौर पर इस मोहब्बत के वसीले से ही खींचते हुए आज हम इस खूबसूरत महफिल में शामिल हुए हैं ताकि इस मोहब्बत को बढ़ते देख सकें। मैं अक्सर ये बयान करता हूँ कि मोहब्बत बांटने से बढ़ जाती है और गम बांटने से कम हो जाते हैं और मुल्क पाकिस्तान में यही ज़रूरत है ताकि ये मोहब्बत बढ़े और ये आपस का राब्ता जो है पाकिस्तानियों का राब्ता, खुदा ने ये मुल्क मुझे और आपको दिया है और जब तमाम मज़ाहिब मिलकर बैठते हैं तो सुलह, अमन और सलामती के रास्ते पर हम पाकिस्तान को गामजन होते हुए देखते और इस मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मैं ये समझता हूँ कि बैनुल मज़ाहिब इकट्ठ का एक बड़ा मुकाम है। और लाहौर में पादरी मजीद अबोल साहब ने नौलखा में इस रवायत को कायम रखे हुए हैं और रोज़ बरोज़ बढ़ाते हैं। मेरी मुल्तान डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दुआ है कि ये मोहब्बत बांटने का अमल हमेशा यूँ ही चलता रहे और हमारी ज़िंदगियाँ मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए और इसकी बका के लिए हमेशा इसी तौर पर अपना करदार, फाल करदार अदा करती रहें। खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू। थैंक यू बिश साहब। थैंक यू बिश साहब। मैं अभी दरख्वास्त करूँगा और मिनहाज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद से कि वो ब्रीफली अपने थॉट्स शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मजीद अबोल साहब और इनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया। इससे बेहतर इंटरफेथ हार्मनी की कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं पिछले चंद दिनों से काफ़ी परेशान था। पूरा पाकिस्तान दस्तों गिरेबान है। आधा पाकिस्तान एक लीडर की तरफ देख रहा है, आधा दूसरे की तरफ। तो बहुत ही बचपन के दोस्तों ने हतार में बहस करते हुए इतना उलझे कि एक ने उठा के रात दूसरे के सर पे दे मारा और बेचारा जान से गया। इन हालात में मेरा ख्याल डॉक्टर मजीद अबोल साहब ने जो काम किया है वो न सिर्फ ख़ास कम्यूनिटी बल्कि तमाम कम्यूनिटीज़ के लोगों को यहाँ बुलाकर, इससे बेहतर कोई और काम नहीं हो सकता। इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, मेरा ख्याल हम सबको सबक हासिल करना चाहिए डॉक्टर मजीद अबोल साहब से और इस तरह के प्रोग्राम बड़ी फरवानी के साथ करने चाहिए और अपने नौजवानों को अपने साथ मिला के उनको कूल करना चाहिए, उनको पेशेंस का बताना चाहिए कि वो पेशेंस रखें। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर करेगा। मैं डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की तरफ से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और जितना काम डॉक्टर साहब का इंटरफेथ हारमनी पे है, मेरा ख्याल शायद पाकिस्तान में किसी और का नहीं। वो भी यही चाहते हैं कि तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम मकातब फ़िक्र के लोग आपस में मिल बैठें और सब पाकिस्तानी बन के रहें यहाँ पे इस पाकिस्तान में। बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर मजीद अबोल साहब का कि उन्होंने हम सब दोस्तों को यहाँ पे बुलाया। हम यहाँ पे जिस किस्म की एक खूबसूरत गैदरिंग में फर्स्ट टाइम अटेंड करने का मौका मिला है, लेकिन यहाँ आके देखा है कि उन्होंने तमाम मसालिक, तमाम मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा करके इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी बहुत खूबसूरत एक मैसेज कन्वे किया है कि हम पाकिस्तानी जो है इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी क्रीड वी आर यूनाइटेड एंड वी विल कंटिन्यू टू परफॉर्म बेटर वे फॉर द फ्यूचर ऑफ कंट्री एज वेल एज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। और यहाँ इन्होंने जो सब दोस्तों के लिए एक इफ्तार कम डिनर अरेंज किया है, उन सब उसकी वजह से हम सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अहमद चौकताई है। मैं रंगमहल मिशन स्कूल से पढ़ा हूँ और रंगमहल मिशन स्कूल बड़े तरीके से स्कूल है। ये 1849 में बना था और जिस तरह कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान से पहले बहुत ज़्यादा यानी कि अंग्रेज़ों के दौर में मुसलमानों के पास वसाइल नहीं थे और जो क्रिश्चन थे उनके वसाइल उससे भी कम थे। तो हमारे रंगमहल मिशन स्कूल लड़के और लड़कियों के अलग अलग स्कूल थे, न सिर्फ लाहौर में, पूरे पंजाब में और बड़े ज़गीर पाक हिंद में। फोरमैन क्रिश्चियन उसका फाउंडर था मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूँ वो उसके नाम से फोरमैन क्रिश्चियन एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी भी है। तो मैंने वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई तो बहुत अच्छी थी, मिशनरी स्कूल था, इसकी फ़ीस भी बड़ी कम थी, साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी। मुझे हॉकी खेलने का शौक़ था, इसके साथ साथ मैं स्काउटिंग में भी रहा। मैंने पाकिस्तान से लेकर इंग्लैंड तक बाई रोड सफ़र किया। मेरी 21 किताबें हैं। आखिरी में मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, मैंने ज़ाती तौर पर ईरान, तुर्की, बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, चाइना, मिस्र, अमेरिका देकर कई मुल्क देखे हैं, लेकिन जितना खूबसूरत मार्वल पाकिस्तान है, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, शायद ही दुनिया में हो। और आज की ये पूर्वकार तकरीब जो कि पादरी मजीद अबोल साहब ने सजाई है, ये इसका सबूत है। बहुत शुक्रिया। बात बुलाते रहते हैं इंटरफेस के हवाले से, जिसमें तमाम मज़ाहब और मसालफ के लोगों को बुलाते हैं, बड़े प्यार और इज़्ज़त देते हैं और सबको बात करने का भी मौका देते हैं, उनकी तजवीज़ें भी लेते हैं, उनसे मशवरे भी लेते हैं। और यही इसी तरह से चलेगा तो पाकिस्तान में प्यार, मोहब्बत और ब्रदरहुड बढ़ेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान ओवरऑल दुनिया का बेहतरीन मुल्क है।